नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी विद बी में। दोस्तों, इंस्ट्रूमेंट एंड मेजरमेंट का पार्ट थर्ड और क्वेश्चन नंबर 111 देखिए। हाई वोल्टेज टेस्ट आर, देखिए हाई वोल्टेज टेस्ट किए जाते हैं, किन किन पर हाई वोल्टेज टेस्ट किए जाते हैं। देखिए हाई फ्रिक्वेंसी और उसके बाद कॉन्स्टेंट डायरेक्ट करेंट टेस्ट और सस्टेनेबल लो फ्रिक्वेंसी, यानी ऑल ऑफ द अबव। इसमें जो रहेंगे सभी, आपका सर्च टेस्ट भी हाई टेस्ट हो जाएगा। तो ये सभी सभी टेस्ट क्या होते हैं दोस्तों, हाई पर करते हैं, ठीक है। तो इसका ऑल ऑफ द अबव आंसर सही हो जाएगा। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 112 की बात करते हैं। रिंग स्पेसिमेन कैन बी टेस्टेड फॉर इट्स मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ बाय, देखिए दोस्तों, करें रिंग स्पेसिमेन जो होता है, इसकी किसी जो इंस्ट्रूमेंट, किसी जो मटेरियल होता है उसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ को चेक करता है, तो उसमें क्या यूज कर सकते हैं हम लोग। देखिए दोस्तों, पहले आप ध्यान दीजिए कि जो रिंग स्पेसिमेन होता है उसमें एक रिंग इस टाइप का बनाया जाता है और उस इंस्ट्रूमेंट का, और उसमें लोग करंट फ्लो करा करके उसके हम लोग क्या करते हैं, उसके बीएच कर्व को मेजर करते हैं। क्या करते हैं, जो बीएच कर्व होता है, बीएच कर्व से हम लोग उसका पता चल जाएगा उसमें हिस्टेरेसिस लॉस कितने होते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद उसका एडी करंट लॉसेस, यानी जितनी जितनी भी लॉसेस होती हैं उसमें हम लोग उसको क्या करते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इसमें किसका यूज़ करते हैं दोस्तों, उसमें हम लोग करते हैं एसी पोटेंशियोमीटर का, कैंपबेल ब्रिज का कर सकते हैं, ऑसिलोग्राफ का कर सकते हैं, मैक्सवेल ब्रिज का कर सकते हैं, यानी ऑल ऑफ द अबव इसमें कर सकते हैं। ये फिगर देख लीजिए दोस्तों, इसमें फिगर में आपको देखिए टेस्ट किया गया है आपका इस रिंग स्पेसिमेन के द्वारा, तो आप इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ई। चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 113 पर। विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट कैन बी मेड यूजिंग मैग्नेटिक इफेक्ट, देखिए दोस्तों इसमें कह रहा है कि इसमें कौन सा इंस्ट्रूमेंट है जो कि मैग्नेटिक इफेक्ट के यूज के लिए बनाया गया है। तो मैग्नेटिक इफेक्ट है ना दोस्तों, मैग्नेटिक इफेक्ट का यूज कौन करता है, तो सभी करते हैं दोस्तों। वाट मीटर करता है, वोल्ट मीटर में किया जाता है और एनर्जी मीटर में भी किया जाता है। इसका ऑल ऑफ द अबव आंसर सही हो जाएगा डी, ठीक है। ऑल ऑफ द अबव आंसर का सही हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 114। इन इंस्ट्रूमेंट द टर्म्स ऑफिशियल आर्टिफिशियल एजिंग इज एसोसिएटेड विद, देखिए दोस्तों कह रहा है कि एक इंस्ट्रूमेंट है जिसमें आर्टिफिशियल एजिंग किसे संबंधित होगा। तो दोस्तों याद रखिएगा, आर्टिफिशियल एजिंग हमेशा किसे संबंधित होता है, परमानेंट मैग्नेट से, किससे होता है, परमानेंट मैग्नेट से। देखिए परमानेंट मैग्नेट में होता क्या है कि उसकी जो परमानेंट मैग्नेट होता है उसकी जो समय के बाद उसमें जो उसकी जो स्ट्रेंथ होती है थोड़ी कम हो जाती है, तो उसमें वही बोलते हैं दोस्तों कि आर्टिफिशियल एजिंग उसमें होता है, ठीक है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ए। आइए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 115 की बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट कैन नॉट बी यूज फॉर द मेजरमेंट ऑफ एसी एज वेल एज डीसी क्वांटिटीज, निम्नलिखित में से कौन सा जो है उपकरण है जिसका उपयोग हम लोग एसी के साथ साथ डीसी के लिए मापने के लिए भी किए जाते हैं। देखिए इसमें क्या होगा, इसमें जो इंडक्शन टाइप इंस्ट्रूमेंट है दोस्तों, ये केवल और केवल क्या मेजर करता है, ये केवल और केवल मेजर करता है आपका एसी मेजर करता है, ठीक है, डीसी नहीं मेजर करता। और जो मूविंग आयरन टाइप है ये एसी और डीसी दोनों को मेजर करता है, ठीक है, एसी एंड डीसी ये दोनों को मेजर करता है। और हार्ट वायर इंस्ट्रूमेंट ये भी दोनों को मेजर करता है, एसी और डीसी को, और इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियो जो मीटर है, इलेक्ट्रोस्टैटिक मीटर्स, ये भी दोनों को मेजर करता है। लेकिन ध्यान दीजिए दोस्तों, ये केवल डिजाइन किया जाता है वोल्ट मीटर और वाट मीटर के लिए ही डिजाइन किया जाता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या बी, इसका राइट आंसर हो जाएगा इंडक्शन टाइप एनर्जी इंडक्शन टाइप इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 116 की बात करते हैं। इंस्ट्रूमेंट इज फ्री फ्रॉम हिस्टेरेसिस एंड एडी करंट लॉसेस इरर्स, देखिए दोस्तों इसमें से वो कौन सा इंस्ट्रूमेंट है जो कि एडी करंट और हिस्टेरेसिस इरर्स से दोनों फ्री होता है। इसमें कौन होता है दोस्तों, इसमें होता है आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक इंस्ट्रूमेंट, इसको आप याद रखिएगा दोस्तों, ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंस्ट्रूमेंट। इसमें होता क्या है दोस्तों कि इसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक इंस्ट्रूमेंट में होता क्या है कि इसमें देखिए करंट फ्लो नहीं होता है, इसमें मतलब क्या होता है, चार्ज के थ्रू इसको हम लोग इसको मेजर करते हैं, इसलिए हमने बताया कि इसमें देखिए ये एमीटर के लिए डिजाइन ही नहीं किया जाता है। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, इसमें दोनों का दोनों जो है ना, तो ईडी होगा और ना ही हिस्टेरेसिस होगा। और वहीं मूविंग आयरन देखिए दोस्तों, इसमें दोनों के दोनों लॉसेस होंगे। और जो परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल है दोस्तों, तो इसमें जो होगा हमारा क्या होगा, इसमें जो होता है हमारा क्या होता है, इसमें केवल और केवल क्या होता है, ईडी करंट लॉसेस होता है, इसमें हिस्टेरेसिस नहीं होते हैं, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा ए, ठीक। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 117 की बात करते हैं। द रीडिंग ऑफ अ डायनेमोमीटर टाइप वाट मीटर कैन बी हाईली इरिटेड, देखिए दोस्तों इसमें करा है कि जो एक अगर हम लोग रीडिंग लेते हैं, है ना, तो जो डायनोमीटर टाइप वाट मीटर की रीडिंग होती है वो किस सबसे अधिक उसमें इरर किसके कारण होता है, ठीक है। तो किस कारण होता है दोस्तों, लो पावर फैक्टर के, तो अगर हम लोग लो पावर फैक्टर का मतलब अगर कोई सर्किट अगर उसका हम लोग पावर मेजर करें तो उसमें जो सबसे अधिक क्या होगा, इरर उसमें होगा। क्यों होता है दोस्तों, क्यों, देखिए लो पावर फैक्टर लो हो जाने की वजह से उसमें, इसीलिए हम लोग इसके लिए जो स्पेशली जो जिसका जिस सर्किट का पावर फैक्टर लो होता है उसके लिए हम स्पेशली डिजाइन करते हैं लो पावर फैक्टर वाट मीटर, ठीक है। तो अगर वहाँ से अगर हम लोग वहाँ पर डायनोमीटर टाइप यूज करेंगे तो वहाँ पर जो हमें इरर्स मिलेगा वो सबसे अधिक हो जाएगा। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन में चलते हैं 118 की बात करते हैं।
अ मल्टीमीटर कैन बी यूज्ड फॉर मेजरमेंट मेजरिंग। देखिए दोस्तों, जो मल्टीमीटर है उसका यूज कर सकते हैं। देखो मल्टीमीटर का यूज़ किस में करते हैं? सभी में करते हैं आप, चाहे तो वोल्ट मीटर हो, फिर उसके बाद वोल्ट, एसी, डीसी, सभी के लिए यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। करंट भी उसे मेजर कर सकते हैं। तो इसमें तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका डीसी एज वेल एज एसी क्वांटिटीज, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 की बात कर लेते हैं। क्या कर रहा है? और डायनेमोमीटर टाइप वाट मीटर हैज़। देखिए अब डायनेमोमीटर टाइप वाट मीटर में क्या हो सकते हैं? तो डायनेमोमीटर टाइप वाट मीटर का स्केल जो होता है, पहले ध्यान दीजिएगा दोस्तों, क्या होता है? ये होता है लीनियर, ठीक है। तो इसका हो जाएगा यूनिफॉर्म स्केल, ठीक है। ठीक, तो डायनेमोमीटर टाइप वाट मीटर का स्केल क्या हो जाता है आपका? यूनिफॉर्म हो जाता है, ठीक है। और जैसे और क्वेश्चन में देखिए, जैसे मूविंग आयरन टाइप का हो जाएगा आपका नॉन लीनियर होता है दोस्तों ये, ठीक है। मूविंग आयरन टाइप का, मूविंग आयरन टाइप का इंस्ट्रूमेंट क्या होता है? नॉन लीनियर होता है। और लॉग, इसी को लॉग रिदिंग भी बोलते हैं। स्क्वायर लॉ होता है जिसके दोस्तों आपका जो है हार्ट वाट मीटर का, ठीक है। हार्ट वो जो वाट मीटर होते हैं, हार्ट मीटर, हार्ट एमीटर होते हैं, उसकी बात करते हैं, ठीक है। चलिए तो क्वेश्चन नंबर, इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा यूनिफॉर्म। आइए क्वेश्चन नंबर 120 की बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी मेजर्ड बाई मल्टीमीटर। देखिए दोस्तों, इसमें से कौन सा है जिसको मल्टीमीटर के द्वारा मेजर नहीं किया जा सकता है? तो मल्टीमीटर के द्वारा दोस्तों हम लोग फ्रीक्वेंसी को नहीं मेजर कर सकते हैं ना, इसको बाकी सबको मेजर कर सकते हैं, करंट, वोल्टेज और रेजिस्टेंस दोनों कर सकते हैं, लेकिन फ्रीक्वेंसी को मेजर नहीं कर सकते। आइए क्वेश्चन नंबर 121 की बात करते हैं। इंस्ट्रूमेंट विल ड्रा लिस्ट करेंट फ्रॉम द सर्किट इन विच इट इज इन कॉर्पोरेटेड। देखिए दोस्तों, करा है कि इंस्ट्रूमेंट ड्रा लिस्ट करेंट, वो सबसे कौन सा इंस्ट्रूमेंट जो सबसे अधिक करंट को क्या करता है? सबसे कम करंट को अपने अंदर लेता है। तो हमने बताया ना, सबसे अधिक सबसे कम कौन लेता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक। इसमें बिल्कुल एकदम नाम मात्र की बराबर ही करंट फ्लो होता है, इसी वजह से इसमें क्या होते हैं ना, तो ईडी करंट लॉसेस होते हैं और ना ही हिस्टेरेसिस लॉस होते हैं, ठीक है। बाकी और तो सभी देख रहे हैं आप लोग। चलिए तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। आइए क्वेश्चन नंबर 122 की बात करते हैं। एनर्जी मीटर इंस्टॉल्ड एट द रेजिडेंस ऑफ इलेक्ट्रिक पावर कंज्यूमर्स। देखिए दोस्तों, कहते हैं कि जो इलेक्ट्रिक पावर जो होता है ना, इलेक्ट्रिक पावर कंज्यूमर्स के पास जो होते हैं, हम लोग जो एनर्जी मीटर इंस्टॉल करते हैं वो कौन सा होता है, ठीक है। तो एनर्जी मीटर कौन सी डिवाइस है दोस्तों? इंटीग्रेटिंग डिवाइस है, इंटीग्रेटिंग टाइप का, ठीक है। इसको हम लोग हिंदी में समाकलन इंस्ट्रूमेंट कहते हैं। देखिए इसमें क्या है, इसमें रिकॉर्डिंग बिल्कुल ये तो होगा नहीं। ये किसका होता है दोस्तों? ये मैक्सिमम डिमांड इंडिकेटर होता है। जो मैक्सिमम डिमांड इंडिकेटर होता है ना, मैक्सिमम डिमांड इंडिकेटर, वो होता है हमारा रिकॉर्डिंग टाइप का। इंडिकेटिंग टाइम में कौन से आते हैं? इंडिकेटिंग टाइम में आपके सब आ जाएंगे दोस्तों, एमीटर आ जाएगा, वोल्ट मीटर आ जाएगा और वाट मीटर आ जाएंगे। देखिए और ये तो होगा नहीं दोस्तों, इंडिकेटिंग एज वेल एज रिकॉर्डिंग, ये तो बिल्कुल नहीं होगा। इसमें नन ऑफ द अबव, इसमें कोई नहीं मिला आपको हमारा, चूंकि हमारा एनर्जी मीटर क्या होता है? एनर्जी मीटर हमारा होता है आपका इंटीग्रेटिंग टाइप का इंस्ट्रूमेंट। क्या होता है दोस्तों? इंटीग्रेटिंग, है ना, इंटीग्रेटिंग टाइप का इंस्ट्रूमेंट होता है। इसलिए इसमें नन ऑफ द अबव ऑप्शन सही हो जाएगा। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा डी। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 123 की बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स इज यूज्ड टू सील्ड अ डायनेमोमीटर टाइप वाट मीटर अगेंस्ट स्ट्रे फील्ड्स। देखिए दोस्तों, इसमें कह रहा है कि इसमें से कौन सी विधि का यूज करके जो डायनेमोमीटर टाइप वाट मीटर है उसको जो है स्ट्रे फील्ड से प्रोटेक्ट कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, हमने आपको क्या बताया कि जब हम लोग को स्ट्रे फील्ड से प्रोटेक्ट करना है ना, तो वहाँ पर हम लोग सॉफ्ट आयरन की शील्डिंग करते हैं। किसी करते हैं दोस्तों? सॉफ्ट आयरन की। तो इसमें सॉफ्ट आयरन खोजिए कहाँ पर है। देखिए दोस्तों, कह रहा है कि मीटर इज हाउस्ड इन अ सॉफ्ट आयरन केसेस। बिल्कुल दोस्तों, यही सही हो जाएगा आपका, कि जिसमें सॉफ्ट आयरन की अगर शील्डिंग कर देंगे तो उसमें जो स्ट्रे मैग्नेटिक लॉसेस है वो क्या हो जाएंगे हमारे? रिड्यूस हो जाते हैं, ठीक है। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 124 पर। टाइप इंस्ट्रूमेंट हैज आइडेंटिकल कैलिब्रेशन फॉर एसी एज वेल एज डीसी वैल्यूज। देखिए इसमें दोस्तों आपको बताना है कि कौन सा इंस्ट्रूमेंट है जो एसी और डीसी दोनों पर क्या करता है? वर्क कर सकता है। तो दोनों पर इसमें कौन सा वर्क करेगा दोस्तों? तो दोनों पर इसमें करेगा आपका दोस्तों हॉट वायर। इसमें हॉट वायर को हम लोग अधिक प्रायोरिटी देते हैं। आप कहेंगे सर हॉट वायर क्यों यहाँ पर? तो हमारा ई भी ऑप्शन है। देखिए इसमें हो जाएगा हमारा आंसर हॉट वायर, ठीक है। आप कहेंगे सर यहाँ पर मूविंग आयरन भी तो मेजर करता है, मूविंग आयरन भी तो एसी और डीसी दोनों मेजर करता है, अभी आपने बताया। तो देखिए दोस्तों, होता क्या है कि अगर हम लोग जो इसमें जब मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट से अगर हम लोग एसी को मेजर करते हैं ना, एसी को मेजर करते हैं, उसमें कुछ ईरर्स आ जाते हैं उसकी फ्रिक्वेंसी के कारण। उसी ईरर्स को दूर करने के लिए एक रेजिस्टेंस लगाते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं स्वैम्पिंग रेजिस्टेंस। याद रखिएगा इसको, क्या बोलते हैं? स्वैम्पिंग रेजिस्टेंस। स्वैम्पिंग रेजिस्टेंस यूज करते हैं, तो हम लोग को यहाँ पर क्या करना पड़ेगा? उसमें चेंजिंग करनी पड़ेगी। इस वजह से हम लोग अगर देखें तो दोनों की इक्वेट वैल्यू हमें मूविंग आयरन टाइप से नहीं मिल सकती, एसी एज वेल एज डीसी के लिए। इसलिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा हमारा? हार्ट वायर, ये हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। आइए क्वेश्चन पर चलते हैं, 125 की बात करते हैं। टाइप इंस्ट्रूमेंट कैन हैव
फुल स्केल डिफ्लेक्शन ऑफ 3 degrees। देखिए बता रहा है किस टाइप का इंस्ट्रूमेंट जो होता है जिसका फुल स्केल डिफ्लेक्शन यानी उसका जो रेंज होता है वो 300 डिग्री तक होता है। 300 डिग्री किसका होता है दोस्तों? इंडक्शन टाइप का, ठीक है। इंडक्शन टाइप जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं उनका जो डिफ्लेक्शन होता है वो 300 डिग्री सेंटीग्रेड 300 तक का होता है, ठीक है, 300 डिग्री का। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 126 की बात करते हैं। अब पोटेंशियोमीटर वर्क्स ऑन, देखिए पोटेंशियोमीटर किस पर वर्क करता है? हीटिंग इफेक्ट बिल्कुल नहीं कर सकता है दोस्तों, और मैग्नेटिक इफेक्ट भी नहीं कर सकता, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पर भी नहीं कर सकता, और नन ऑफ द एबव पर नहीं कर सकता, क्योंकि आप जानते हैं कि पोटेंशियोमीटर क्या है, एक कैलिब्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट है। इसमें आप लोग जॉकी को इधर उधर खिसका कर क्या करते हैं, उसको हम लोग नल पॉइंट को प्राप्त करते हैं, इसमें तो बिल्कुल नहीं होगा। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा आपका नन ऑफ द एबव। चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 127 की बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी मेजर्ड बाई द यूज ऑफ शेयरिंग ब्रिज। देखिए दोस्तों कह रहे हैं शेयरिंग ब्रिज से का उपयोग करके हम लोग इसमें से किसको मेजर कर सकते हैं, तो शेयरिंग ब्रिज का उपयोग करके किसको मेजर कर सकते हैं, हमने आपको बताया था कि आप डिसिपेशन ऑफ पावर फैक्टर है ना, कैपेसिटेंस एंड पावर फैक्टर। तो इसमें जो राइट आंसर जाएगा डायलेक्ट्रिक लॉस तो हो जाएगा, तो डायलेक्ट्रिक लॉस एंड पावर फैक्टर इसका राइट आंसर जाएगा। क्वेश्चन पर चलते हैं 128 की बात करते हैं। वाट मीटर विल बी फ्री फ्रॉम द इफेक्ट ऑफ पावर फैक्टर एंड फ्रीक्वेंसीज वेरिएशन इन केस। देखिए दोस्तों कह रहा है कि वाट मीटर जो होता है वो क्या करता है कि फ्रीक्वेंसी वेरिएशन से इसमें से फ्री होता है। इसमें से कौन सा वाट मीटर है? वाट मीटर विल बी फ्री फ्रॉम, अगर हमारा फ्रीक्वेंसी वेरिएशन से हमारा फ्री हो जाएगा, मतलब वाट मीटर फ्रीक्वेंसी वेरिएशन से फ्री कब होता है? देखिए दोस्तों जब कब होगा, जब इसका वोल्टेज क्वाइल का जो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, हमारा जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो व्हेन वोल्टेज क्वाइल रेजिस्टेंस इज जीरो, अ वाट मीटर विल बी फ्री फ्रॉम द इफेक्ट ऑफ पावर फैक्टर एंड द फ्रीक्वेंसी वेरिएशन, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा, आइए क्वेश्चन में चलते हैं 129 की बात करते हैं। विल ऑलवेज इंडिकेट्स ट्रू आरएमएस वैल्यू इन अ रिस्पेक्टिव ऑफ द वेव फॉर्म। देखिए दोस्तों कह रहा है इसमें से कि कौन सा इंस्ट्रूमेंट है जो कि आपका ट्रू वेव फॉर्म को क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है, ठीक है, रिस्पेक्टिव वेव फॉर्म मतलब ट्रू देता है, हमारे आरएमएस वैल्यू को ट्रू मेजर करता है। तो हमने आपको बताना मूविंग आयरन तो बिल्कुल नहीं होगा पहले आपको, है ना। इसमें देखिए और क्या क्या मिलता है, मूविंग आयरन तो मूविंग, उसके बाद डिजिटल वोल्टमीटर है, और यहाँ पर थर्मोकपल दोस्तों हमारा बिल्कुल सही होगा, थर्मोकपल में हमारा जो वेव फॉर्म रहता है वो ट्रू रहता है, ठीक है। तो इसके लिए हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा बी। तो आपका देखते हैं, आइए क्वेश्चन नंबर 130 की बात करते हैं। कर मेथड इज सुटेबल फॉर द मेजरमेंट ऑफ अ रेजिस्टेंस ऑफ एक्सपेक्टेड वैल्यू लेस देन 1 ohms। देखिए इसमें कह रहा है कि इसमें जो अगर हम लोग 1 ohm से कम की रेजिस्टेंस की वैल्यू को अगर हम लोग को मेजर करना है तो इसमें से निम्नलिखित में से किसका यूज़ करेंगे। तो हमने आपको स्टार्टिंग में बताया था किसका यूज़ करते हैं दोस्तों, हम लोग इसमें करते हैं केल्विन डबल ब्रिज का यूज़ करते हैं। केल्विन डबल ब्रिज का यूज़ करके क्या करते हैं, 1 से कम, याद रखिएगा दोस्तों 1 ohm से कम के रेजिस्टेंस को हम लोग मेजर कर सकते हैं। और वहीं अगर व्हीटस्टोन ब्रिज की बात करते हैं दोस्तों, इसका हम लोग क्या करते हैं, 1 से अधिक, अगर 1 ohm से अधिक का है इंस्ट्रूमेंट, 1 ohm से अप्रॉक्सीमेट 10 ohm तक हम लोग जो मेजर करते हैं इसको हम लोग मीडियम रेंज में गिनते हैं। ये लो के लिए हमारा कौन हो गया, केल्विन डबल ब्रिज, मीडियम के लिए कौन हो गया दोस्तों, व्हीटस्टोन ब्रिज हो गया, और लास्ट ऑफ डिस्चार्ज मेथड जो है, लास्ट ऑफ चार्ज मेथड जो होता है इसके लिए हम लोग हाई रेजिस्टेंस को यूज़ करते हैं, ठीक है। क्या करते हैं, अगर हाई रेजिस्टेंस मेजर करना हुआ तो हम लोग किसको यूज़ करेंगे, लॉस ऑफ चार्ज मेथड को यूज़ करेंगे। इसमें हमने क्या पूछा है, लो रेजिस्टेंस पूछा है ना, यानी 1 ohm से भी कम, तो केल्विन डबल ब्रिज इज राइट आंसर, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 131 की बात करते हैं। ब्रिज इज प्रिफर्ड फॉर द मेजरमेंट ऑफ इंडक्टेंस हैविंग हाई क्यू फैक्टर। देखिए दोस्तों कह रहा है कि अगर हम लोग उस ब्रिज के द्वारा, किस ब्रिज के द्वारा हम लोग हाई वैल्यू ऑफ इंडक्ट मतलब इंडक्टेंस हैविंग हाई क्यू फैक्टर, इंडक्टेंस के पास हाई क्यू फैक्टर, उसको हम लोग कैसे मेजर कर सकते हैं, इसमें से किस ब्रिज का यूज करके। तो हमने बताना हाई क्यू फैक्टर अगर है और उसमें का किसी ब्रिज का क्यू फैक्टर हाई है और उसका हमें मेजर करना है क्या, इंडक्टेंस मेजर करना है, तो उसके लिए वहाँ पर हम लोग क्या यूज़ करते हैं, हे ब्रिज यूज करते हैं, ठीक है। क्या यूज़ करेंगे, हे ब्रिज का यूज़ करके हम लोग उसको क्या करते हैं, इंडक्टेंस को मेजर कर सकते हैं, ठीक है। आइए मैक्सवेल ब्रिज के लिए आप जानते हैं, मैक्सवेल के लिए आपका कम रहना चाहिए। डिसॉर्टिव ब्रिज से क्या करते हैं दोस्तों, डिसॉर्टिव ब्रिज से कैपेसिटर मेजर करते हैं, और ओवेन ब्रिज से क्या करते हैं दोस्तों, फ्रीक्वेंसी वगैरह को मेजर किया जाता है, फ्रीक्वेंसी और कैपेसिटेंस को, ठीक है। तो चलिए आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 132 की बात करते हैं। अ क्यू मीटर मेजर्स, देखिए दोस्तों एक क्यू मीटर है वो किसको मेजर करेगा, तो क्यू मीटर क्या करता है, किसी भी सर्किट की जो होता है उसकी कॉइल की प्रॉपर्टीज को मेजर करता है ना, तो प्रॉपर्टीज ऑफ अ कॉइल इसका राइट आंसर रहेगा डी। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर अगला 33। इन द मेजरमेंट ऑफ पावर बाई 2 wattmeter मेथड, वेन द रीडिंग ऑफ 2 wattmeter आर इक्वल एंड अपोजिट, इट कैन बी कंक्लूडेड दैट पावर फैक्टर इज। देखिए दोस्तों कह रहा है कि जब हम लोग 2 power factor wattmeter के द्वारा, है ना, 2 power factor wattmeter के द्वारा हम लोग जब पावर को मेजर करते हैं, तो उसमें कह रहा है कि 1 wattmeter जो होता है ना,
एक वाटमीटर करता है दिखाता है आपका पॉजिटिव, और दूसरा वाटमीटर क्या दिखाता है आपका नेगेटिव दिखाता है, नेगेटिव साइन दिखाता है। तो उसमें आपको कह रहा है कि तो अब इसमें बताइए कि उसमें जो इट कैन बी कंडक्टेड द पावर फैक्टर, तो पावर फैक्टर उसमें क्या होगा, है ना। तो पावर फैक्टर उसमें क्या होता है दोस्तों, आपका हो जाता है जीरो। आप देखिए कैसे निकालेंगे, तो आप देखिए फार्मूला याद रखिए, अगर हम लोग टू पावर फैक्टर वाटमीटर से अगर हम मेजर करते हैं तो डब्ल्यू वन बराबर क्या होता है वी एल आई एल कास 30+5 होता है एक तो, ठीक है सॉरी। तो यहाँ से हम लोग देख फिर से देख लेते हैं, डब्ल्यू वन इक्वल्स टू वी एल आई एल कास 30+5, एक इसको रख लीजिएगा दोस्तों याद रखिए। और एक दूसरा होता है डब्ल्यू टू बराबर वी एल आई एल कास 30+-5, ये होता है दोस्तों। अब देखिए इसमें कह रहे दोनों अपोजिट कब डायरेक्शन में आएंगे, एक इक्वल वैल्यू दिखाएं और अपोजिट दिखाएं। तो आप देखिए थीटा की वैल्यू अगर हम लोग 60 रख दें, 60 डिग्री रख दें, तो आप देखेंगे आपको क्या मिलेगा यहाँ से, आपको थीटा की वैल्यू सॉरी थीटा की वैल्यू अगर आप 90 रख देंगे तो दोनों की वैल्यू क्या मिलेगी आपको, एग्जैक्ट क्या मिलेगी आपको, अपोजिट और मिलेगी, और किसमें मिलेगी दोस्तों, और सेम मिलेगी और अपोजिट मिलेगी। तो यहाँ पर अगर 90 हो गया तो अगर आप कास 5 निकालेंगे तो कास 90 की वैल्यू आप निकाल दीजिए, कास 90 की वैल्यू कितनी होती है, तो कास 90 की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो उसमें पावर फैक्टर हमारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। एक तो ये आपके तरीका पास तरीका मिल गया, और एक दूसरा तरीका एक और है उससे भी आप यूज कर सकते हैं। देखिए आप ये वाला फार्मूला है टेन फाई से, यहाँ से आप फाई निकाल सकते हैं, है ना। टेन फाई इक्वल्स टू क्या होता है इन रूट थ्री डब्ल्यू वन माइनस डब्ल्यू टू अपॉन डब्ल्यू वन प्लस डब्ल्यू टू। आप इसका यूज करके यहाँ पर पावर फैक्टर निकाल सकते हैं। इसमें क्या बोला कि दोस्तों सेम और दिखा रहा है और इक्वल सेम दिखा रहा है और क्या दिखा रहा है आपका अपोजिट दिखा रहा है, तो अपोजिट साइन से यहाँ से रख दीजिए। तो यहाँ पर इसकी वैल्यू देखेंगे क्या आएगी, इसकी वैल्यू आपकी आ जाएगी इन्फिनिटी आ जाएगी। तो यहाँ से फाई की वैल्यू क्या मिलेगी आपको 90 डिग्री मिल जाएगी, है ना। आप यहाँ से भी निकाल सकते हैं, तो जिसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा, 0, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 134 की बात करते हैं। द मीटर कांस्टेंट ऑफ अ सिंगल फेज एनर्जी मीटर इज एक्सप्रेस्ड इन द टर्म्स ऑफ, देखिए दोस्तों मीटर कांस्टेंट एनर्जी मीटर का किस में वो दिखाते हैं, तो जो एनर्जी मीटर का जो मीटर कांस्टेंट होता है दोस्तों वो होता है रिवोल्यूशन पर किलोवाट घंटा, है ना। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ये, इसके लिए फार्मूला होता है ना के इक्वल्स टू रिवोल्यूशन, है ना, रिवोल्यूशन अपॉन क्या होता है दोस्तों के डब्ल्यू एच, यही फार्मूला भी होता है दोस्तों आपको काम करेगा के डब्ल्यू एच। तो के डब्ल्यू एच फार्मूला ये होता है रिवोल्यूशन कांस्टेंट जो आपका मीटर कांस्टेंट का, ठीक है। आइए आपको देखते हैं क्वेश्चन नंबर 135 की बात करते हैं। मूविंग क्वायल एंड मूविंग आयरन टाइप इंस्ट्रूमेंट कैन बी डिजाइंड बाय लुकिंग एट, देखिए दोस्तों अगर हम मूविंग आयरन और मूविंग क्वायल और मूविंग आयरन टाइप का इंस्ट्रूमेंट हम लोग डिजाइन करते हैं, है ना, तो इसको कैसे देखकर आप उसको पता कर सकते हैं कि मूविंग आयरन और मूविंग क्वायल है। तो देखिए दोस्तों याद रखिएगा कि जो मूविंग क्वायल इंस्ट्रूमेंट होते हैं उनका जो स्केल होता है वो लीनियर होता है, ठीक है। उसमें उसकी स्केल क्या होता है, लीनियर, यानी उसमें जो खाने बने रहेंगे ना आपके बराबर इक्वल डिस्टेंस पर रहेंगे, है ना। ये होता है मूविंग आयरन के लिए, सॉरी मूविंग क्वायल के लिए, किसके लिए रहता है दोस्तों, मूविंग क्वायल के लिए। लेकिन अगर वहीं हम लोग बात करें अगर मूविंग आयरन टाइप इंस्ट्रूमेंट की, तो उसका जो स्केल रहता है ना वो क्रैम्प्ड रहता है, मतलब जो स्केल बनेगा ऐसे आप जो पॉइंटर रहता है अभी स्टार्टिंग में उसमें क्या रहेगा, थोड़ा सकरा रहेगा और फिर बाद में थोड़ा दूर दूर पर हो जाते हैं ऐसे। तो ये हमारा जो बनता है, ये हमारा बनता है मूविंग आयरन टाइप इंस्ट्रूमेंट का। सो हम लोग कैसे पता कर सकते हैं दोस्तों, हम लोग पता कर सकते हैं उसके स्केल को देख करके, है ना। इसका राइट आंसर रहेगा ए। आइए चलते क्वेश्चन नंबर 136 की बात करते हैं। इन ऑर्डर टू गेट बेस्ट रिजल्ट इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट आर, देखिए दोस्तों करा कि अगर हम लोग को बेस्ट रिजल्ट प्राप्त करना है इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट में तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा। तो देखिए अगर बेस्ट रिजल्ट प्राप्त करना है ना तो हमें क्या करना पड़ेगा, जो हमारी डैम्पिंग होगी वो स्लाइटली लेस दैन क्रिटिकल वैल्यू से होनी चाहिए। आप कुछ लोग इसमें कहेंगे क्रिटिकल वैल्यू, तो ध्यान दीजिए दोस्तों इसमें क्रिटिकल वैल्यू नहीं होगी। क्रिटिकल वैल्यू पर क्या हो जाता है, हमारा जो इंस्ट्रूमेंट हो जाता है वो हमारा हो जाता है क्रिटिकल वैल्यू में हो जाता है, उसमें यहाँ पर डेड पोजिशन में पल पहुँच जाता है, वहाँ पर जो डिफ्लेक्शन होता है बहुत ही एकदम क्रिटिकल वैल्यू में बिल्कुल डिफ्लेक्शन होता ही नहीं, तो वहाँ पर हमें एक्यूरेट वैल्यू नहीं मिल पाती है, ठीक है। तो इसका जो आंसर हो जाना चाहिए होगा कि डैम्प्ड स्लाइटली लेस दैन द क्रिटिकल वैल्यू, ठीक है। आइए चलते क्वेश्चन नंबर 37 की बात करते हैं। द डिसिपेशन फैक्टर ऑफ ए कैपेसिटर कैन बी मेजर्ड, डिसिपेशन फैक्टर किसे मेजर कर सकते हैं, हमने आपको अभी बताया ना शेयरिंग ब्रिज के द्वारा, शेयरिंग ब्रिज के द्वारा हम लोग क्या कर सकते हैं डिसिपेशन फैक्टर को मेजर कर सकते हैं। पोटेंशियोमीटर के द्वारा बिल्कुल नहीं कर सकते, गैलोमीटर के द्वारा तो आप करंट मेजर करते हैं, पोटेंशियोमीटर के द्वारा वोल्टमीटर करते हैं, कैंपबेल ब्रिज के द्वारा क्या करते हैं, ये एक एसी ब्रिज होता है, ठीक है, जो कि एसी पर वर्क करता है, तो इससे भी आप क्या कर सकते हैं वोल्टेज और करंट मेजर कर सकते हैं। आइए क्वेश्चन में चलते 138 की बात करते हैं। इन हार्ट वायर इंस्ट्रूमेंट द सेंसिंग वायर इज मेड ऑफ, देखिए दोस्तों जो हार्ट वायर इंस्ट्रूमेंट होता है उसमें जो सेंसिंग वायर होते हैं वो किसके बने होते हैं, तो सेंसिंग वायर जो हमेशा बने होते हैं वो प्लेटिनम इरिडियम के बने होते हैं दोस्तों, इसको याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, है ना। जो हार्ट वायर इंस्ट्रूमेंट होता है उसमें जो सेंसिंग वायर किसके बने होते हैं, तो प्लेटिनम इरिडियम के बने होते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 139 की बात करते हैं।
बाई विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड एन एमीटर कैन बी कन्वर्टेड टू ए वोल्ट मीटर। देखिए दोस्तों, आप किसके द्वारा आप जो है कौन सी विधि का उपयोग करके एक एमीटर को वोल्ट मीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो बिल्कुल सिंपल है दोस्तों। क्या करते हैं, उसके सीरीज में एक हाई रेजिस्टेंस रख देंगे एमीटर के, और हमारा जो वोल्ट मीटर हो जाएगा वो किस तरह काम करेगा, वो वोल्ट मीटर की तरह काम करेगा। तो उसका जो राइट आंसर हो जाएगा सी, बाई पुटिंग द लार्ज रेजिस्टेंस इन अ सीरीज विद अ एक्चुअल मेजरिंग पार्ट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। यानी हमारे पास अगर सपोज करिए एमीटर है ना, तो बस एमीटर क्या होता है, रेजिस्टेंस बहुत कम होता है, बस इसके सीरीज में आप जोड़ दीजिए हाई वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस है ना, RH, हाई आर यहाँ से जोड़ दीजिए, हाई वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस जोड़ दीजिए, और ये हमारा वर्क काम करने का किस तरह काम करेगा, ये हमारा एक वोल्ट मीटर की तरह काम करने लगेगा, ठीक है। चलिए, तो इसका राइट आंसर हमने बताया क्या होगा, सी हो जाएगा, बाई पुटिंग द लार्ज रेजिस्टेंस इन अ सीरीज विद एक्चुअल मेजरिंग पार्ट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। आइए क्वेश्चन नंबर 140 की बात करते हैं। गिव द वैल्यू ऑफ द क्वांटिटी टू बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ द कंसिस्ट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट एंड देयर डायरेक्शंस वनली। देखिए दोस्तों, इसमें कह रहा है कि वह इंस्ट्रूमेंट जिसका हम लोग यूज करके क्या कर सकते हैं, उसके हम लोग डायरेक्शंस और कांस्टेंट, उसमें जो वैल्यू देता है, जो हमें जो वैल्यू देता है वो कांस्टेंट में देगा, और क्या करता है उसमें, सॉरी एक बार फिर से देख लेते क्वेश्चन। गिव द वैल्यू ऑफ द क्वांटिटी टू बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ द कांस्टेंट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट एंड देयर डायरेक्शन। हाँ, तो जो वह कौन सा इंस्ट्रूमेंट है जो कि उनके डायरेक्शन और उनके कांस्टेंट के मान में, टर्म्स में क्या करता है, हमें क्या करता है वो मान देता है, उसकी वैल्यू को देता है। तो कौन सा देता है दोस्तों, हमने आपको स्टार्टिंग बताया था, वो एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट होता है ना, इंस्ट्रूमेंट जो एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट होते हैं वो डायरेक्ट वैल्यू को देते हैं, मतलब उसको हम लोग क्या करते हैं कि वो कांस्टेंट के फॉर्म में देते हैं, जैसे हमने बताया ना टेंजेंशियोमीटर वगैरह। तो ये हो जाएगा हमारा सी, राइट आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 141 की बात करते हैं। द एडवांटेज ऑफ मूविंग कॉइल परमानेंट मैग्नेट टाइप इंस्ट्रूमेंट। देखिए, जो मूविंग टाइप परमानेंट मैग्नेट टाइप इंस्ट्रूमेंट होता है उसका एडवांटेज क्या होता है, अगर उसकी एडवांटेज देखते तो इसमें हिस्टेरेसिस लॉस बिल्कुल नहीं होता दोस्तों। हमने इसमें बताया ना, इसमें हिस्टेरेसिस नहीं होते हैं, इसमें क्या होते हैं ईडी लॉसेस होते हैं ना, इसमें क्या होते हैं दोस्तों ईडी करंट लॉसेस होते हैं, और इसका लो पावर कंजम्पशन, बिल्कुल ये पावर को लो कंजम्प करता है, एफिशिएंट ईडी करंट डैम्पिंग, इसमें जो जो डैम्पिंग होती है वो ईडी करंट डैम्पिंग होती है, ये भी सही है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑल ऑफ द अबव, ठीक है, डी। आइए क्वेश्चन पर चलते हैं आगे, 142 की बात करते हैं। अ पोर्टेबल इंस्ट्रूमेंट इज़ लाइकली टू हैव डैम्पिंग। देखिए, जो पोर्टेबल इंस्ट्रूमेंट होता है उसमें डैम्पिंग कौन सी यूज करते हैं, देखिए जो पोर्टेबल इंस्ट्रूमेंट होता है ना उसमें इस बेसिकली अगर देखा जाए तो एडी करंट डैम्पिंग का यूज किया जाता है, किसका यूज किया जाता है एडी करंट डैम्पिंग। और हम आपको बता दें दोस्तों, जो फ्लूइड फ्रिक्शन डैम्पिंग है इसमें देखिए बहुत ही रेयर यूज किया जाता है, ये केवल और केवल यूज किया जाता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ठीक है, इसमें क्या होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक टाइप इंस्ट्रूमेंट में हम लोग क्या करते हैं फ्लूइड फ्रिक्शन डैम्पिंग का यूज करते हैं। और उसके बाद प्यूमेटिक, जो है प्यूमेटिक मतलब क्या होता है समझते हैं दोस्तों, इसको हम लोग एयर डैम्पिंग बोलते हैं, ठीक है, क्या बोलते हैं इसको एयर डैम्पिंग। तो जो एयर डैम्पिंग यूज करते हैं जैसे मूविंग आयरन वगैरह में हम लोग एयर डैम्पिंग का यूज करते हैं, है ना। और ग्रेविटेशनल क्या होता, ग्रेविटेशनल क्या होता है, ग्रेविटेशनल तो बहुत ही रेयर होता है, कहीं पर यूज करते हैं, जो पोर्टेबल इंस्ट्रूमेंट में तो बिल्कुल इसका यूज ही नहीं करते हैं, ठीक है, ग्रेविटेशनल यूज का जो हम लोग पोर्टेबल नहीं करते, क्योंकि इसको अगर आप यूज करेंगे ना तो जो हमारा स्केल होगा वो थोड़ा सा यूनिफॉर्म नहीं रहता है, बिकॉज द डिफ्लेक्शन जो कंट्रोलिंग टॉर्क प्रोड्यूसेस एज इन द टर्म ऑफ साइन थीटा, ठीक है, ये साइन थीटा टर्म्स में क्या करता है वो टॉर्क को प्रोड्यूस करता है कंट्रोलिंग टॉर्क, इस वजह से जो हमारा स्केल होता है वो हमारा अनलीनियर नहीं हो पाता है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों ईडी करंट, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 143 की बात करते हैं। अब मूविंग आयरन टाइप एमीटर हैज़ फ्यू टर्न्स ऑफ थिक वायर सो दैट। देखिए दोस्तों, कह रहा है कि एक मूविंग आयरन टाइप इंस्ट्रूमेंट है, इसका जो थिक वायर होगा, इसमें जो थिक वायर क्या होता है, देखिए दोस्तों ध्यान दीजिएगा, थिक वायर क्या होता है, इसका किस लिए इसको थिक किया जाता है, मतलब इसके जो तार है ना उसको मोटा क्यों किया जाता है, अगर हमारे पास एक मूविंग आयरन टाइप है, बिल्कुल दोस्तों क्या होगा उसका रेजिस्टेंस को कम करने के लिए, सेंसिटिव हाई करने के लिए बिल्कुल नहीं दोस्तों, रेजिस्टेंस इज लेस, उसके रेजिस्टेंस को कम करने के लिए हम क्या करते हैं उसके वायर को जो है थोड़ा मोटा करते हैं, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 144 की बात करते हैं। व्हेन द डैम्पिंग ऑफ अ इंस्ट्रूमेंट इज एडजस्टेड टू एनेबल द पॉइंटर टू राइज क्विकली टू इट्स डिफ्लेक्टेड पोजीशन विदाउट ओवरशूटिंग इन दैट केस द इंस्ट्रूमेंट इज सेड टू बी। देखिए दोस्तों, कह रहा है कि वह डैम्पिंग इंस्ट्रूमेंट जिसमें आपका जो पॉइंटर होता है वो विदाउट ओवरशूटिंग के, ठीक है, विदाउट ओवरशूटिंग के डिफ्लेक्शन को देता है और बहुत ही जल्दी डिफ्लेक्ट। आप कहेंगे सर ओवरशूटिंग क्या होता है, पहले उसको समझिएगा। देखिए, इससे हमारा कोई इंस्ट्रूमेंट है, यहाँ से ऐसे गया, यहाँ से और ऐसे ऐसे जाकर ऐसे हो जाता है ना, ये देखिए ये हमारा ये होता है, जो ओवरशूटिंग होता है क्या कि जो मैक्सिमम डिफ्लेक्शन होता है यहाँ से यहाँ तक, है ना, इसे हम लोग बोलते हैं क्या बोलते हैं ओवरशूटिंग बोलते हैं, ठीक है। तो वही बोल रहा है कि अगर कोई इंस्ट्रूमेंट है वो विदाउट ओवरशूटिंग डायरेक्ट सीधे वो देते तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, तो हमने बोला जब देखिए ओवरशूटिंग करेगा यानी क्रिटिकल पर जाएगा तो क्रिटिकल क्या होता है सुस्त जाता है, तो उसे हम लोग डेड बीट बोलते हैं, क्या बोलेंगे दोस्तों
डेड बीट बोलते हैं। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा हमारा, ये देखिए ओवर डैम्प बिल्कुल होगा नहीं और अंडर डैम्प भी नहीं होता, अंडर डैम्प उसके पहले वाली चीज़ होती, ऑफ बीट ये भी नहीं होगा, तो इसका जो राइट आंसर रहेगा हमारा डेड बीट हो जाएगा। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 145 की बात करते हैं। हार्ट वायर इंस्ट्रूमेंट रीड, देखिए हार्ट वायर इंस्ट्रूमेंट किसको रीड करता है, तो बच्चे बच्चे को पता, किसी बच्चे से पूछ लेंगे तो बता देगा। ठीक है, आरएमएस वैल्यू को मेजर करता है, किसको करता है, आरएमएस वैल्यू को, तो इसका राइट आंसर। और एवरेज वैल्यू कौन मेजर करता है दोस्तों, याद रखिएगा एवरेज वैल्यू को जो होता है वाट मीटर जो हमेशा एवरेज वैल्यू मेजर करती है, याद रखिएगा। ठीक है, वाट मीटर मेजर एवरेज वैल्यू। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 146 की बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट कैन बी यूज फॉर मेजरिंग 132 केवी एसी वोल्टेज। देखिए दोस्तों कह रहा है कि एसी वोल्टेज के लिए यानी 132 वोल्ट का जो है 132 किलो वोल्ट का एसी वोल्टेज को मेजर करने के लिए आप क्या यूज़ करेंगे, तो हमने बताना इसके मेजर करने के लिए हम लोग करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक टाइप वोल्ट मीटर। किसका यूज़ करेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक टाइप वोल्ट मीटर का यूज़ करते हैं, हाई वोल्टेज मेजर करने के लिए हम इसका यूज करते हैं। आइए 47 की बात करते हैं। इन इंस्ट्रूमेंट द डिफ्लेक्टिंग टॉर्क डिपेंड्स ऑन द फ्रीक्वेंसी। देखिए दोस्तों कह रहा है कि किस प्रकार के इंस्ट्रूमेंट में जो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क होगा वो फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करेगा, तो फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करेगा, तो इसमें फ्रीक्वेंसी पहले डिपेंड कौन करता है पहले उसको देख लीजिए। तो देखिए तो कौन करता है दोस्तों, इंडक्शन टाइप मीटर है ना, इंडक्शन टाइप मीटर। हार्ट मीटर वायर ये तो फ्रीक्वेंसी नहीं करता है, मूविंग आयरन ये भी नहीं करता है, मतलब ये करता है थोड़ा सा, लेकिन उसके अधिक सबसे अधिक ये कौन करता है आपका इंडक्शन टाइप करता है। और मूविंग कॉइल तो ये तो आप जानते हैं, आप डीसी पर इसको मेजर करते हैं तो ये तो बिल्कुल करेगा नहीं फ्रीक्वेंसी पर। ठीक है, तो जिसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आइए क्वेश्चन नंबर 148 की बात करते हैं। इज द कॉमनली यूज मटेरियल फॉर द थर्मोकपल, तो जो थर्मोकपल है ना, थर्मोकपल इंस्ट्रूमेंट में किसका यूज करते हैं, मतलब किस इंस्ट्रूमेंट का यूज करते हैं, आपको पता है थर्मोकपल कैसा होता है, ये होते हैं दो धातु इसमें लगे रहते हैं ऐसे, थर्मोकपल में ऐसे आपका दो धातु रहते हैं और एक को जैसे जहाँ पर रखते हैं, एक पर कहाँ रखते हैं, एक को रखते हैं एज कोल्ड में, मतलब यहाँ पर बर्फ वगैरह रख दिया जाता है, और दूसरे को हार्ट जंक्शन पर रखते हैं, इसको कोल्ड जंक्शन और हार्ट जंक्शन बोलते हैं। तो बोल रहा है कि यही जो धातु है वो किसके बने होते हैं, तो कॉमनली किसके बने होते हैं दोस्तों, प्लेटिनियम और रोडियम के बने होते हैं, प्लेटिनियम और रोडियम के, तो इसका जो राइट आंसर रहेगा ए। ठीक, आइए चलते क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं 149 की बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी मेजर्ड बाय बोलोमीटर्स, देखिए बोलोमीटर के द्वारा किसको मेजर कर सकते हैं, तो याद रखिएगा दोस्तों बोलोमीटर के द्वारा हम लोग थर्मल रेडिएशन को मेजर करते हैं, किसको मेजर करते हैं, थर्मल रेडिएशन को मेजर करने के लिए क्या करते हैं, बोलोमीटर का यूज़ करते हैं। इलेक्ट्रिक सिग्नल्स को बिल्कुल नहीं कर सकते दोस्तों, आउटपुट ऑप्टिकल इनपुट से भी नहीं कर सकते, टेम्परेचर इनपुट से भी नहीं कर सकते ना, तो बोलोमीटर्स का राइट आंसर रहेगा थर्मल रेडिएशन 149 का फर्स्ट। ठीक है, आइए चलते क्वेश्चन नंबर आगे, क्वेश्चन नंबर 50। फ्रीक्वेंसी मीटर कैन बी यूज फॉर द मेजरमेंट ऑफ द रेडियो फ्रीक्वेंसी, तो ये बताएं देखो वह कौन सा फ्रीक्वेंसी मीटर है जिसका यूज आप लोग कहाँ करते हैं, रेडियो फ्रीक्वेंसी में करते हैं। तो हमने आपको बताया था ना हेटरोडाइन टाइप इंस्ट्रूमेंट का जो हेटरोडाइन टाइप फ्रीक्वेंसी मीटर होता है, इसका यूज़ हम लोग किसके लिए करते हैं दोस्तों, इसका यूज़ करते हैं रेडियो फ्रीक्वेंसी को मेजर करने के लिए, है ना, इसको आप याद रखिएगा, रेडियो फ्रीक्वेंसी को मेजर करने के लिए किसका यूज करते हैं, हेटरोडाइन टाइप इंस्ट्रूमेंट का। ठीक है, वेस्टर्न वगैरह तो ये सब नहीं करते, नॉर्मल फ्रीक्वेंसी यूज कर सकते हैं आप इसमें। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर देखते हैं अगला 151 की बात करते हैं। द फेनोमेन ऑफ अ क्रीपिंग ऑकर्स इन, देखिए दोस्तों क्रीपिंग क्या होता है, क्रीपिंग होता है ऑकर्स किस में होता है, क्रीपिंग ऑकर्स तो क्रीपिंग होता है केवल और केवल एनर्जी मीटर में। आप कहेंगे सर एनर्जी मीटर तो इसमें ऑप्शन में दिख ही नहीं रहा मुझे, वाट आवर मीटर दिख रहा है दोस्तों, वाट आवर मीटर, इसी को हम लोग एनर्जी मीटर भी कहते हैं। ठीक है, इसमें कन्फ्यूज मत होइएगा, एनर्जी मीटर इसी क्या कहते हैं दोस्तों, एनर्जी मीटर कहते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 52 की बात करते हैं, 152 की बात करते हैं, देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन, सॉरी देखिए आइए 52 की बात करते हैं। हाइएस्ट फ्लक्स डेंसिटी एग्जिस्ट इनसाइड विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट, देखिए दोस्तों अगर हाइएस्ट फ्लक्स डेंसिटी इसमें से निम्नलिखित में से किस इंस्ट्रूमेंट के अंदर पाई जाती है, तो किसमें पाई जाएगी दोस्तों, वो पाई जाती है हमारा मूविंग क्वाइल इंस्ट्रूमेंट में, किसमें पाई जाती है, मूविंग क्वाइल इंस्ट्रूमेंट में जो है हाइएस्ट फ्लक्स डेंसिटी इसमें यूज करते हैं। ठीक है, ठीक, आइए क्वेश्चन नंबर देखते हैं आगे 153 की बात कर लेते हैं। द रेशियो एरर ऑफ ए करेंट ट्रांसफार्मर इज ड्यू टू, जो रेशियो एरर होता है करंट ट्रांसफार्मर में वो किसके कारण होता है दोस्तों, वो होता है हमारा एक्साइटिंग करंट के कारण, एक्साइटिंग करंट के कारण उसमें क्या होता है, रेशियो एरर होता है ना, तो रेशियो एरर क्या होता है, नॉमिनल रेशियो माइनस क्या होता है, नॉमिनल रेशियो माइनस एक्चुअल रेशियो, ठीक है, एक्चुअल रेशियो अपन नॉमिनल रेशियो, ये होता है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी एरर बोलते हैं। तो किसके बराबर होता है दोस्तों हमारा, वो होता है एक्साइटिंग करंट के कारण होता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। आइए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 154 की बात कर लेते हैं। द ई एम एफ ऑफ अ वेस्टर्न स्टैंडर्ड सेल कैन बी मेजर्ड, देखिए जो ई एम एफ हम लोग वेस्टर्न स्टैंडर्ड सेल है उसका ई एम एफ कैसे मेजर कर सकते हैं,
कैसे मेजर कर सकते दोस्तों, ऑब्वियसली सेल है ना, तो पोटेंशियोमीटर आप यूज करिए बिंदास होकर के, ये आपका मेजर कर देगा, है ना। अब गैल्वेनोमीटर से क्या करते हैं सबको पता है, करंट मेजर कर सकते हैं, हार्ट वायर वोल्टमीटर से क्या कर सकते हैं, उसमें आप वोल्टमीटर मेजर कर सकते हैं, लेकिन वो एग्जैक्ट वैल्यू नहीं देगा, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा हमारा 154 का। आइए क्वेश्चन में चलते हैं, 155 की बात करते हैं। द टेम्परेचर ऑफ फर्नेस कैन बी मेजर्ड बाई, देखिए अगर किसी फर्नेस का टेम्परेचर हम लोग को मेजर करना है तो उसमें क्या यूज़ कर सकते हैं, अगर फर्नेस का टेम्परेचर मेजर करना है ना दोस्तों, पायरोमीटर का नाम सुने होंगे आप लोग, ऑप्टिकल पायरोमीटर है ना, ये एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिससे हम लोग क्या करते हैं, हाई टेम्परेचर को मेजर करते हैं। अगर हाई टेम्परेचर को मेजर करने की बात किया है तो वहाँ पर ऑप्टिकल पायरोमीटर का यूज करते हैं, ठीक है। आइए क्वेश्चन में चलते हैं, 156 की बात करते हैं। परमानेंट मैग्नेट यूज इन इंस्ट्रूमेंट आर जनरली मेड ऑफ, देखिए जो परमानेंट इंस्ट्रूमेंट होता है उसमें हम लोग यूज करते हैं वो किसके बने होते हैं, तो परमानेंट पहली बात मैग्नेट किसके बने होते हैं, वो परमानेंट मैग्नेट बने होते हैं एलनिको के, एल्युमिनियम निकल और कोबाल्ट के, ठीक है, जो एलॉय होता है इन सब पे बने होते हैं परमानेंट मैग्नेट, ठीक है। आइए क्वेश्चन में चलते हैं आगे। विच ऑफ द फॉलोइंग रेजिस्टेंस इज शोन बाय द नीडल इन अ मेगर नॉट इन ऑपरेशन, देखिए दोस्तों कह रहा है कि जो मेगर ऑपरेशन में नहीं होता है तो इसमें से वो किस रेजिस्टेंस को शो करता है, ध्यान दीजिएगा, जब मेगर ऑपरेशन में नहीं होता तो वो इन्फिनिटी को मेजर करता है, याद रखिएगा। आप लोग मेगर देखे होंगे तो ये रहता है कुछ इस तरह से, मेगर रहता है, ठीक है, और आपका ऐसे इसके लिए यहाँ पर रहता है और यहाँ पर हमारा पॉइंट रहता है, और इधर देखिए देखेंगे हमेशा तो इधर इन्फिनिटी रहता है और इधर क्या रहता है, जीरो रहता है, तो मेगर हमेशा जब ऑपरेशन में नहीं रहता तो हमेशा इन्फिनिटी को शो करता है, ठीक है, और जैसे ही उसमें शॉर्ट सर्किट पाया था तुरंत मेगर यहाँ से घूमकर यहाँ पर चला जाता है, ठीक है, इसको याद रखिएगा दोस्तों, कौन सा शो करता है, नॉट ऑपरेशन इन इन्फिनिटी, ठीक है। और उसके बाद अगर शॉर्ट सर्किट आएगा तो अगर पूछ देगा शॉर्ट सर्किट किस पर काम करेगा तो शॉर्ट सर्किट में हमेशा जीरो की तरफ इंडिकेट करेगा, ठीक है। आइए चलते क्वेश्चन नंबर आगे, 158 की बात करते हैं। वोल्ट मीटर हैज़ द लीस्ट पावर कंजप्शन, देखिए वो कौन सा वोल्ट मीटर जिसमें पावर कंजप्शन बहुत ही कम होता है, तो भैया हमने आपको कितनी बार बताया कौन सा होगा, भैया इलेक्ट्रोस्टैटिक टाइप होगा, हमने बताया ना इसमें पावर कंजप्शन बहुत ही कम होता है, ठीक है। तो चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 159 की बात करते हैं। फॉर प्रोटेक्टिंग अ गैल्वेनोमीटर ड्यूरिंग ट्रांसपोर्ट, देखिए अगर हम लोग एक ट्रांसपोर्ट है ना, अगर हम लोग गैल्वेनोमीटर को ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं तो हम लोग इसमें से इसको प्रोटेक्ट करने के लिए किसका यूज करेंगे, है ना, तो किस प्रोजेक्ट में, देखिए इसमें ध्यान दीजिएगा दोस्तों, इसकी जो क्रिटिकल डैम्पिंग होती है ना, है ना, रेजिस्टेंस हम लोग जो हमेशा टर्मिनल से कनेक्टेड होनी चाहिए, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, देखिए इसमें कहाँ पर मिल रहा है, टर्मिनल कनेक्टेड नहीं, बिल्कुल नहीं, तो इसका राइट आंसर देखिए यहाँ पर है, क्रिटिकल डैम्प्ड रेजिस्टेंस इज कनेक्टेड अक्रॉस द टर्मिनल, क्रिटिकल डैम्प्ड रेजिस्टेंस हमेशा क्या होता है, टर्मिनल से कनेक्ट होनी चाहिए अगर हम लोग क्या कर रहे हैं उसको ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन नंबर 160 देखिएगा। द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ वोल्ट मीटर मस्ट बी वेरी हाई सो दैट, देखिए दोस्तों कह रहा है कि जो वोल्ट मीटर होता है उसका इंटरनल रेजिस्टेंस बहुत ही हाई किया जाता है, क्यों बहुत हाई किया जाता है, भैया वोल्ट मीटर है ना ताकि वो मिनिमम करंट उसमें से पास हो जाए, अगर मिनिमम करंट, अगर करंट उसमें अधिक जाएगा ना तो लॉसेस अधिक करेगा, तो हमारे वोल्ट मीटर की रीडिंग क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, है ना, तो उसमें हम लोग करते हैं मिनिमम करंट पासेस थ्रू द एमीटर, इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ए 60 का, ए क्लियर है। आइए चलते क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं, 161 की बात करते हैं। इन एसी ब्रिज इफ द सप्लाई फ्रीक्वेंसी इज 1000 हर्ट्ज द डिटेक्टर विल बी, देखिए दोस्तों अगर करा हमारे पास एक एसी ब्रिज है उसका जो है जो फ्रीक्वेंसी है वो हमारा 1000 हर्ट्ज है ना, तो उसमें से हम लोग किसका यूज करेंगे, तो किसका यूज करेंगे दोस्तों, हम लोग उसमें यूज करेंगे टेलीफोन का, ठीक है, इसमें क्या किसका यूज करेंगे, टेलीफोन का डिटेक्ट करने के लिए हम लोग टेलीफोन का यूज करते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर चलते 162 की बात करते हैं। ब्रिज इज यूज फॉर द प्रिसाइज मेजरमेंट ऑफ इंडक्टेंस ओवर अ वाइड रेंज, देखिए दोस्तों बोल रहा है कि जो हमें जो ब्रिज किस कौन से ब्रिज का यूज करेंगे जिससे हम लोग प्रिसीजन ऑफ इंडक्टेंस, हमें इंडक्टेंस की भीड़ बहुत ही मामूली बहुत ही अधिक रेंज के लिए यानी थोड़े से इंडक्टेंस का यूज करना, मतलब कहने का हमारे तात्पर्य यह है कि कम वैल्यू के इंडक्टेंस को मेजर करने के लिए किसका यूज करेंगे, है ना, तो किसका करते हैं दोस्तों, एंडरसन ब्रिज का यूज करते हैं, ठीक है, किसका करते हैं, एंडरसन ब्रिज का, हमने हे का बताया ना, हे का किसके लिए करते हैं दोस्तों, हे का हाई इंडक्टेंस मेजर करने के लिए, हाई इंडक्टेंस विद अ हाई क्यू फैक्टर्स, ठीक है। वीन ब्रिज का फ्रीक्वेंसी के लिए यूज करते हैं, मैक्सवेल ब्रिज किसके लिए करते हैं, इंडक्टेंस के लिए यूज करते हैं, ठीक है, इंडक्टेंस के लिए। आइए चलते क्वेश्चन नंबर 163 की बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ब्रिज इज यूज्ड टू मेजर पावर फैक्टर, तो पावर फैक्टर के लिए किसका यूज करेंगे, भैया सेविंग ब्रिज सबसे कॉमन है, ठीक है, तुरंत देखिए तुरंत मार दीजिए सेविंग ब्रिज, काम खत्म, चलें चल आगे चलें। आइए चलते आगे, क्वेश्चन नंबर 164, मूविंग पार्ट ऑफ इंस्ट्रूमेंट आर सपोर्टेड इन, देखिए तो मूविंग पार्ट जो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अगर हम लोग इसमें बोलेगा कि जो मूविंग आयरन जब हम लोग इंस्ट्रूमेंट मेजर करते हैं ना
तो जो मूविंग पार्ट होता है वो हमेशा ज्वेल्ड बीयरिंग पर क्या करता है, उसको सपोर्ट किया जाता है ज्वेल्ड बीयरिंग पर। अगर वहीं बोलता था दोस्तों, अगर डीसी मोटर या फिर जनरेटर या इंडक्शन मोटर की बात करते, अगर वहाँ पर जो बीयरिंग यूज होती है ना, डीसी जनरेटर है ना, डीसी जनरेटर हो या डीसी मोटर, वहाँ पर जो हम करते हैं बॉल बीयरिंग है ना, आईआर रोलर बीयरिंग का यूज करते हैं, याद रखिएगा रोलर बीयरिंग। और लेकिन जो इंस्ट्रूमेंट रहेगा, इंस्ट्रूमेंट में हमेशा ज्वेल्ड बीयरिंग का यूज करते हैं, इसको आप दिमाग में बैठा लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कई बार आया हुआ है, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 165 की बात करते हैं। अ पावर फैक्टर मीटर हैज़ कंट्रोल्ड स्प्रिंग, देखिए दोस्तों पावर फैक्टर में कौन सा स्प्रिंग कंट्रोल्ड, कौन सा कंट्रोल होता है भैया इसमें, उसमें कोई कंट्रोल ही नहीं होता है, ठीक है। पावर फैक्टर मीटर हैज़ नो कंट्रोल स्प्रिंग, ठीक है, 165 का डी। आइए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 166 की बात करते हैं। देखिए आगे दोस्तों, डेड टाइम ऑफ इंस्ट्रूमेंट, तो देखिए दोस्तों डेड टाइम इंस्ट्रूमेंट क्या होते हैं, कि द टाइम रिक्वायर्ड है ना, द टाइम रिक्वायर्ड बाई एन इंस्ट्रूमेंट फॉर इनिशियल वार्मिंग अप। देखिए जो हमें किसी भी इंस्ट्रूमेंट के जो प्रारंभ में जिसको स्टार्ट करने के लिए है ना, समझिएगा कि जब किसी भी हमारे पास कोई इंस्ट्रूमेंट है उसको स्टार्ट करने के लिए जितना टाइम लेता है, यानी वार्मिंग अप मतलब गर्म होने के लिए वो लिखा है, तो स्टार्ट होने के लिए जितना टाइम लेता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों, उसको हम लोग बोलते हैं डेड टाइम जोन बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं डेड टाइम जोन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जी, देख लीजिएगा इसको। तो द टाइम रिक्वायर्ड बाई द इंस्ट्रूमेंट टू फॉर इनिशियलिंग वार्मिंग, इनिशियल में उसको प्रारंभ होने के लिए, वार्मिंग होने के लिए क्या होना चाहिए, उसे हम लोग क्या बोलते हैं डेड टाइम जोन। आइए क्वेश्चन नंबर 166-7 की बात करते हैं। इन रेजिस्टेंस थर्मोमीटर प्लेटिनम इज यूज्ड बिकॉज ऑफ, देखिए दोस्तों कह रहा है रेजिस्टेंस थर्मोमीटर प्लेटिनम इज यूज्ड, जो रेजिस्टेंस थर्मोमीटर होता है उसमें प्लेटिनम का यूज करते हैं ना, प्लेटिनम का यूज क्यों करते हैं, अब इसको बताना आपको क्यों करते भाई। देखो आप अगर देखा जाए ना, तो उसका पहली बात जो उसका कास्ट होता है वो लो हो जाता है, और उसकी स्टेबिलिटी क्या होती है, हाई होती है थोड़ी सी, और देखेंगे तो उसमें आपको ऑपरेशन उसका वाइड रेंज पर भी यूज कर सकते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, देखिए लो कास्ट, बिल्कुल लो कास्ट और हाई स्टेबिलिटी एंड वाइड रेंज ऑपरेशन, तो इसका राइट आंसर रहेगा सी, ठीक। आइए चलते क्वेश्चन नंबर 168 की बात करते हैं। चेंज इन एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर ह्यूमिडिटी इट्स कॉज इरर्स, देखिए दोस्तों कह रहा है कि जो एटमॉस्फेरिक ह्यूमिडिटी और उसके टेम्परेचर कारण जो इंस्ट्रूमेंट में हम लोग इरर्स आती है, उस इंस्ट्रूमेंट को क्या बोलते हैं। देखिए सभी क्या है, टेम्परेचर क्या है, इन्वायरमेंट का है ना, एटमॉस्फेरिक बोल दिया ना, प्राकृतिक पर वाटमेंट द्वारा, इसमें जाहिर सी बात है इन्वायरमेंटल इरर आएगा और कोई नहीं, क्या आएगा दोस्तों इन्वायरमेंटल इरर्स, ठीक है। आइए सिस्टमेटिक इरर तो बहुत होते हैं, उसमें तो आप समझ जाते हैं जो हम लोग मेजर करते हैं। आइए चलते हैं इसमें आगे 169 की बात करते हैं। इन अ इलेक्ट्रिकल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड टू, देखिए दोस्तों इलेक्ट्रिकल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट में जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी होता है उसमें कन्वर्टेड करते हैं, किसमें कन्वर्ट करते हैं दोस्तों, तो याद रखिएगा इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हमेशा उसमें मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। सर मैकेनिकल एनर्जी कैसे, अरे भैया जब आप उसमें करंट दोगे तभी तो ये जो पॉइंटर जो यहाँ पर है तभी तो ये मूव करेगा, और किसमें कन्वर्ट हुआ है, जब मैकेनिकल में जाएगा तभी तो मूव होता है ना, तो मैकेनिकल एनर्जी यूज करते हैं, ठीक। आइए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 170 की बात करते हैं। मेगर इज यूज टू मेजर, अभी बताएं दोस्तों मेगर किसके लिए यूज करता है दोस्तों, देखिए अगर हाई इंसुलेशन रेजिस्टेंस है ना वहाँ पर हम लोग यूज़ करते हैं मेगर, तो इंसुलेशन रेजिस्टेंस को मेजर करने के लिए क्या करते हैं, मेगर का यूज करते हैं, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 171 की बात करते हैं। सेंसिटिविटी ऑफ ए वोल्ट मीटर इज गिवन बाय, देखिए दोस्तों सेंसिटिविटी अगर वोल्ट मीटर का हमें देना है तो उसमें किस में देंगे, देखिए इसके दो फार्मूले होते हैं, ओम पर वोल्ट ये बिल्कुल होता है दोस्तों, सेंसिटिविटी अगर हम लोग को मेजर करना है तो ये तो हो जाएगा ओम पर वोल्ट, और होता है रेसिप्रोकल ऑफ द स्केल डिफ्लेक्शन करंट, अगर उसमें स्केल डिफ्लेक्शन करंट है ना तो उसके द्वारा भी हम लोग उसकी सेंसिटिविटी को मेजर कर सकते हैं। कभी कभी इसमें न्यूमेरिकल आता है दोस्तों, कहेगा एक एम्पियर ले रहा है ना, तो एक एम्पियर है या फिर 10 एम्पियर है दोस्त जो भी है, तो उसकी एम्पियर डिफ्लेक्शन कितना होता है ना, इसके अलावा उसमें करंट में डिफ्लेक्शन कितना उसका प्रोकल कर दीजिए, तो बोल्ट हमेशा 1 रखिएगा, जिससे 50 mA आ गया है ना, 50 mA, तो इसको निकाल देंगे तो इसका सेंसिटिविटी आ जाएगी, तो यानी इससे बहुत से न्यूमेरिकल मिलते हैं, चलिए हम आपको आगे कराएंगे सब न्यूमेरिकल आगे आएंगे, तो फिलहाल में ये हो जाएगा इसका राइट आंसर सी, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बोथ, बोथ भैया कहाँ गए यहाँ, देखिए चलिए क्वेश्चन नंबर 172 की बात करते हैं। कंट्रोल स्प्रिंग आर मेड ऑफ, देखिए कंट्रोल जो स्प्रिंग होती है वो किसकी बनी होती है, तो जो कंट्रोल स्प्रिंग बनी होती है वो बनी होती है फास्फर ब्रॉन्ज की बनी होती है, इसे याद रखिएगा दोस्तों। फास्फर ब्रॉन्ज से एक और याद आया, जैसे आपने इंडक्शन मोटर पढ़ा होगा, तो इंडक्शन मोटर में जो स्लिप होती है ना, इंडक्शन मोटर में जो स्लिप बनी होती है वो स्लिप भी किसकी बनी होती है, फास्फर ब्रांच की ही बनी होती है, उसको याद रखिएगा। जो इंडक्शन मोटर में जो स्लिप बनी होती है वो भी किसकी बनी होती है दोस्तों, फास्फर ब्रांच की बनी होती है, ठीक है। फिलहाल में स्प्रिंग यहाँ पर कौन रहेगा, फास्फर ब्रांच का रहेगा। 173 की बात कर लेते हैं।
इन द केस ऑफ इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट द फंक्शन ऑफ द कंट्रोल स्प्रिंग इज, देखिए दोस्तों इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट में जो फंक्शन होता है कंट्रोलिंग स्प्रिंग का वो क्या होता है, तो देखिए क्या होता है, टू पास इलेक्ट्रिक करेंट टू मूव द सिस्टम टू अप्लाई कंट्रोलिंग टॉर्क। तो इसमें दोनों काम करता है, जो हम लोग का मूविंग कॉइल टाइप इंस्ट्रूमेंट होता है या फिर जो भी कॉइल लगा रहता है स्प्रिंग लगा रहता है वो दोनों करता है, उसमें से करंट भी फ्लो होता है और क्या करता है कंट्रोलिंग टॉर्क भी जनरेट करता है। तो उसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा हो जाएगा बी, बोथ ए और बी 173। चलिए देखते हैं 174 की बात कर लेते हैं, टॉर्क वेट रेशियो विल बी लीस्ट इन इंस्ट्रूमेंट। देखिए दोस्तों कह रहा है टॉर्क वेट रेशियो सबसे कम होगा, किस में टॉर्क वेट रेशियो सबसे कम होता है, सबसे कम जो टॉर्क वेट रेशियो होता है ना भैया वो डायनमोमीटर टाइप का होता है, और सबसे हाई किस में होता है ये भी बता दीजिए, सबसे हाई का देखिए होता है मूविंग कॉयल का, ठीक है मूविंग कॉयल का जो होता है ये सबसे हाई होता है टॉर्क वेट रेशियो, और सबसे लो किसका होता है दोस्तों, सबसे लो किसका होता है डायनमोमीटर टाइप का, है ना, इसको भी आप याद रखिएगा। आइए आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग इज अचीव्ड बाय द मूवमेंट ऑफ एल्युमिनियम पोजीशन इन अ सिलिंड्रिकल वेन। देखिए दोस्तों कह रहा है कि दोस्तों हम लोग जो एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग हम लोग यूज करते हैं एल्युमिनियम पिस्टन के द्वारा, उस कैसे अचीव कर सकते हैं। देखिए पिस्टन क्या होगा, पिस्टन विल हैव स्मॉल सर्कुलर क्लियरेंस सो दैट एयर कैन पास। देखिए इसका जो राइट आंसर कहाँ गया, ये रहा दोस्तों बिल्कुल इसका बी वाला, पिस्टन विल हैव स्मॉल सर्कुलर क्लियरेंस सो दैट एयर कैन पास विद हिंड्रेंस, हिंड्रेंस मीन्स भीड़ होता है दोस्तों, है ना, तो इसका हम लोग जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा ये बी। तो बस आज के लिए इतना ही, अगर दोस्तों वीडियो पसंद आया तो एक बार लाइक करिएगा और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा दोस्तों, ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद देखने के लिए आपका।